महाशिवरात्रि पूजा के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलीपुरद्वार जिले के कालचनी प्रखंड स्थित बक्सा बाग परियोजना के अधीन जयंती महाकाल धाम में एक बेहतरीन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। यहां उत्तर बंगाल, बिहार, आसाम जैसे कई इलाकों से आए हुए हजारों हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वही बताया गया कि यह जयंती महाकाल धाम भारत भूटान सीमांत के चारों ओर पहाड़ियों से घिरे बीचों बीच में स्थित है। यहां प्रत्येक वर्ष की तरह भारत भूटान फ्रेंडशिप एसोसिएशन के समाज सेवियों के द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं के सेवा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर, पेयजल व जूस की व्यवस्था की गयी थी। वहीं धाम में विभिन्न समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सेवा हेतु जगह जगह भंडारा व विश्रामालय का आयोजन किया गया था, जिनमें कालचनी शिव शक्ति सेवा समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पूजा के उपलक्ष्य में कालचनी शिव शक्ति सेवा समिति की ओर से धाम पर विशाल पंडाल बनाकर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। समिति के ओर से रात भर धाम पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। श्रद्धालुओं के सुरक्षा व सुविधाओं के लिए धाम पर अलीपुरद्वार पुलिस प्रशासन के ओर से विशाल पुलिस बल तैनात की गई थी। यहां तक कि धाम को एसएसपी के जवानों की निगरानी में रखी गई थी। शुक्रवार शाम जयंती महाकाल धाम पर आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में अलीपुरद्वार जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीणा, अलीपुरद्वार पुलिस अधीक्षक अमिताभ माइती, अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा, सभाधिपति शीला दास सरकार, कालचनी पंचायत समिति के सहसभापति बाबलू मुखर्जी, कालचनी रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन असीम मजुमदार समेत विशेष गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस विषय में कालचनी शिव शक्ति सेवा समिति के सदस्यों ने बताए। इस विषय पर कार्यक्रम में पहुँचे अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर ने बताए। ये तो हम लोग 18 साल से कर रहे हैं। ये 18वां साल है शिव शक्ति सेवा मंडल का जो भंडारा का प्रोग्राम। इस बार और भी दर्शनार्थी लोग और भी भारी मात्रा में यहाँ पहुँचे हैं, पहुँच रहे हैं। मैं जिस तरह से दिनों दिन हो रहा है, आगामी दिन में हम लोग को सोचने होगा कि महाकाल धाम में जो दर्शन करने आएंगे इसको लेके और बड़ा रूप में हम लोग को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा। विशेषकर कैसा आयोजन किया गया है, क्या क्या आयोजन किया गया है? आप लोग देख रहे हैं यहाँ खाने पीने का, रहने का, बैठने का, दवाई का, एम्बुलेंस का, सिक्योरिटी का, जितना भी एक दर्शनार्थी के लिए जो भी दरकार हो वो संपूर्ण रूप से सब कुछ हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि उन लोग का वो पूरा हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखा जा रहा है भारत भूटान फ्रेंडशिप को लेके, तो इस विषय में क्या संदेश देना चाहिए? तो हम लोग का सही बात है, भारत भूटान आज में भारत का जो मित्र राष्ट्र है भूटान, सबसे अच्छा रिलेशन हम लोग का भूटान का साथ में है। तो प्रत्येक साल ही वो लोग यहाँ पर आके इस सेवा में हाथ बटाते हैं। तो उनको मैं आज इस आपके चैनल के मार्फत मैं गवर्नमेंट ऑफ भूटान को, भूटान के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो सेवा हम लोग को मुहैया हुआ है। महाशिवरात्रि जन्मे पूरा भारतवर्ष जन्मे पूरा दुनिया के फेस्टिवल पालन है, से जन्मे हमें सर्वप्रथम बाबा के जस्ट हमार प्रणाम और कामना करछि कि एखानकार जो मानुष एखान एसे दर्शन करते जरा आसें तर ऊपर भी बाबा भोलेनाथ सभार ऊपर एक कृपा रखबें ओखने और आज के जो शिव शक्ति संघ आ जरा अनुष्ठान का पालन करे अनेक दिन थे वाला पालन कर विशेषकर मन सामने आसे आनार आज के अलीपुरद्वार एक रकम जो मानुषर एत उत्साह ये क्योंकि लक्ष्य करते दिनटा शिव पुजो दिन जो एखे आसी
মানুষের ধর্মের প্রতি যে বিশ্বাস এবং আস্থা এবং প্রভাবে পায়ে হেঁটে প্রায় 6 কিলোমিটার এই নদীর বেদের উপর দিয়ে যারা আসছেন, বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসছেন, এরা সারা রাত থাকবে। শিবশক্তি যে ভান্ডারা আজকে এত বড় একটা অনুষ্ঠান এখানে করেছে, তো গত 11 বছর 10-11 বছর ধরে, 18 বছর ধরে শিবশক্তি ভান্ডারা এই ধরনের একটা পরিষেবা এই তীর্থযাত্রীদের দিয়ে আসছে শিব চতুর্দশী পূর্ণ দিনে। আপনারা আমাদের এই শুধুমাত্র যে জনগণকে পরিষেবা দিচ্ছেন, তীর্থযাত্রীদের পরিষেবা দিচ্ছেন তা নয়, আমাদের পুলিশের জন্য যে ক্যাম্পটা আপনারা বানিয়ে দিয়েছেন তার জন্য এটা আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। वहीं दूसरी ओर भूटान सरकार की ओर से धाम पर पहुंचे समस्त श्रद्धालुओं के लिए कोरोना वायरस स्कैनिंग कैंप का भी आयोजन किया गया था।